सरगम में म्यूजिकल एवं कालीबाड़ी सेक्टर 6 के तत्वाधान में रविवार को कवि रविंद्रनाथ टैगोर के 161वीं जयंती के उपलक्ष्य में कवि गुरु के संगीत से सुसज्जित कार्यक्रम आयोजित किए गए। रविवार को कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की 161वीं जयंती के उपलक्ष्य में कवि गुरु के संगीत को समर्पित सुसज्जित कार्यक्रम सरगम ए म्यूजिकल एवं कालीबाड़ी सेक्टर 6 के तत्वावधान में आयोजित किया गया। गौरतलब है कि सरगम ए म्यूजिकल एवं कालीबाड़ी सेक्टर 6 के तत्वावधान में रविवार को कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की 161वीं जयंती के उपलक्ष्य में कवि गुरु के संगीत से सुसज्जित कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरगम ए म्यूजिकल के कलाकार सोनाली सेन, जो कि इसकी संचालिका भी हैं, साथ ही गायक सुमेन कुंडू एवं अयान सेन चौधरी और वाद्य यंत्र में रणदीप बैनर्जी, चलपति राव तथा प्रशांत पंडा के संयुक्त प्रयास से इस कार्यक्रम में मधुर संगीत प्रस्तुत किए गए। रविंद्र संगीत से सुसज्जित इस संगीत संध्या में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं कार्यक्रम की खास झलकियां, जिसमें एकला चलो रे आकर्षण का केंद्र रहा। मई को हम रविंद्र जयंती मनाते हैं। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, उनकी जयंती मनाई जाती है 9 मई को। और ऐसा है कि 9 मई को इतने सारे आयोजन होते हैं कि हम एक दिन में सारे आयोजन नहीं कर सकते, इसलिए हम पूरा महीना जो है जन्मदिन का उत्सव जो है मनाते हैं। और इसी उपलक्ष्य में आज सरगम ए म्यूजिकल मेरा टीम है, मैं सोनाली सेन, मेरा टीम है और मेरे टीम के कलाकार, हम लोग सब मिलकर रविंद्र उत्सव का आयोजन किया है। मैंने रविंद्र उत्सव का नाम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ सिर्फ हम संगीत का आनंद नहीं लेंगे, हम यहाँ कुछ फूड स्टॉल्स भी हैं, हमारे कुछ और भी हैं स्टॉल्स भी हैं, तो हम सारी चीज़ों का कुल मिला के एक टोटल हमारा फेस्टिव मोड रहेगा। और थोड़ा सा मौसम ने थोड़ा सा विलंब करवाया, लेकिन हम अपने, जैसा कि कवि गुरु का कहना है कि जो भी हो जीवन में, जो भी बाधा आए, हम उस बाधा को पार करके आगे चलते हैं। यदि तो डाक सुने क्यों ना आशे तबे अकेला चलो रे, ये उनका, मैं इस कथन को बहुत मानती हूँ। और बस इस अवसर पे सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे इस कार्यक्रम का जो प्रमोशनल वीडियो है वो हमारे देश के बहुत ही विश्व, देश के ही नहीं मात्र विश्व के भी बहुत विख्यात फिल्म मेकर हैं श्री अनुराग बासु, जो कि भिलाई के ही हैं और मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो उन्होंने मेरे इस कार्यक्रम का प्रमोशन जो है एक छोटे से वीडियो के माध्यम से किया है। की टीम का एक नन्हा सा कलाकार तबला वादक रणदीप बैनर्जी, हम लोग यहाँ पे 161वां जयंती मनाने जा रहे हैं रविंद्र कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का। और विशेष उनमें ये है कि ये विश्व व्यापी हैं, मतलब ये इस कार्यक्रम को वर्ल्ड के दूसरे भी कई जगह पे मनाया जाता है। जैसे कि आप लोगों को जानकारी होगी ही, वो एशिया के फर्स्ट नोबेलिस्ट हैं, नोबल प्राइज़ के विजेता हैं। तो उस हिसाब से तो वैसे भी डाक टिकट वगैरह 147 देशों में उनका डाक टिकट भी जारी किया गया था उनके समय। तो ये सब धीरे धीरे करके क्या है कि ये सारी जानकारियाँ, ये सारी स्मृतियाँ धीरे धीरे कम होते जा रही, तो इसे का हमने सोचा कि इन सारे को वैसे ही जीवित रखने के लिए हम फिर से ऐसा कुछ प्रयास करें। हाँ, दरअसल आजकल के समय के हिसाब से और जो आसानी से प्राप्त होता है पाश्चात्य संगीत, उसके बहुत ज़्यादा प्रचलन में आने से ये मधुर संगीत जो है अभी थोड़ा सा विलुप्त है, लेकिन हाँ मुझे आशा है कि ये संगीत वापस अपना प्रतिष्ठा हमारा आयोजन का भी वही उद्देश्य है। हाँ, उद्देश्य है। सोनाली का ही टीम का एक कलाकार हूँ, एज ए गायक हूँ मैं, बाई प्रोफेशन है गवर्नमेंट हाइड्रोन स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। एक्चुअली मैं जो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, उस जनरेशन तक उनकी
भावनाओं को पहुंचाना ही इस प्रकार के उत्सवों का मुख्य उद्देश्य रहता है, और हम उसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर आज उपस्थित हैं कि हम जो जानते हैं तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में इसको हम फ्लो अप करके वहाँ पर वहाँ तक वो जाए, बच्चे उनको सीखे, समझे, जाने, उनके भावधाराओं को समझे। क्योंकि रविन्द्रनाथ जी दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व है जिनके रचित दो गीत जो है दो देशों में राष्ट्रगान के रूप में लिए गए हैं। हमारे भारत में तो ही, साथ में बांग्लादेश में भी उन्हीं के गीत को लिया गया है। बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष में संगीतमय संध्या का आयोजन भव्यता के साथ किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।